नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न लेकर आया हूं, जिसे आप भी बहुत ही आसानी से और सही सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उसे सॉल्व करने में ऐसे प्रश्नों को आपको कम से कम एक मिनट लग जाता है, क्योंकि आप उसे फिगर ट्रिक से सॉल्व करते हैं और यही तरीका किताबों में बताया गया होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि इस आसान से प्रश्न को एकदम आसानी के साथ साथ अधिक से अधिक 15 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना रफ और पेन के इस्तेमाल किए हुए। ऑनलाइन परीक्षा के लिए विधि आपके लिए कारगर साबित होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर ट्रिक से देखते हैं, जैसा कि ज़्यादातर किताबों में इसी ट्रिक का जिक्र होता है, लेकिन इसमें एक मिनट लगता है और इस वाले ट्रिक में अधिक से अधिक आपका 15 सेकेंड लगेगा। तो जैसे एक प्रश्न लिखा है, यदि घड़ी के डायल में, मैंने विस्तार से सिर्फ यही वाला प्रश्न लिखा है, जैसे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा पूरा विस्तार से लिखा है, लेकिन जगह बचाने के लिए मैंने बाकी तीन प्रश्न थोड़ा शॉर्ट में करके लिख दिया है, लेकिन आपका प्रश्न इसी तरह से विस्तार से पूछा जाएगा। तो यदि घड़ी के डायल में 3 पर G, तो ये आप जानते ही होंगे, 1, 2, 3, 4, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 12 है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कह रहा, तो सबसे फिगर ट्रिक यही कहता है कि जो जो कह रहा है वो करते जाइए। तो सबसे पहले घड़ी बनाना होता है और उसके बाद जैसा जैसा कहे वैसे वैसे करते जाइए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें एक मिनट से ज़्यादा लग जाता है कभी कभी। जैसे लिखा है 3 पर G, तो 3 पर G, 4 पर H, तो 4 पर H, और इसी तरह आगे भी जारी रहे, तो GHIJKLMNO। तो अब पूछ रहा है कि 10 पे क्या आएगा, तो 10 पे क्या आया है, तो N आया, तो हमारा आंसर हो गया N। लेकिन इस तरह से प्रश्न सॉल्व करने में हमें समय ज़्यादा लगता है, और इस विधि से बचने के लिए ही आज का मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। और इस ट्रिक का नाम है फिंगर ट्रिक। हमें सिर्फ अपने फिंगर की ज़रूरत होती है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जैसे देखिए, 3 पर लिखा है G और पूछ रहा है 10 नंबर पे, तो आप अपने उंगली पर चेक करिए, इसमें पेन और रब की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 से शुरू किया और पूछ रहा है 10 का, इसीलिए मैंने 3-4 प्रश्न लिया ताकि आपको एकदम आसानी से ट्रिक समझ में आ जाए। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें माइनस वाला और भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। 3 से शुरू कर रहा है 3, और कहाँ तक पहुँच रहा है 10 तक, तो 3, 4, ये पोरों पर 4-4 होता है, याद रखिएगा। तो 3 से शुरू करना है यहाँ से और 10 तक पहुँचना है, तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 यहाँ पर आएगा। इस उंगली को यहाँ से हटाना नहीं है, इस अंगूठे को यहाँ से, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि आंसर आपको कहाँ पे लाना है। अब आप दूसरी उंगली से गिनिए, 3 पर लिखा है G और 4 पर लिखा है H, तो आपका कॉमन सेंस जो है, रीजनिंग वाला, वो समझ गया कि G के बाद H, यानी कि क्रमशः एक एक बढ़ाता जा रहा है। तो 3 पर G, 4 पर H, तो फिर IJKLM और इस पर आकर N आ जाएगा, तो हमारा बिना पेन के इस्तेमाल किए भी आंसर N आ सकता है। इसी तरह से अब अगला देखते हैं, यदि घड़ी के डायल में 5 के स्थान पर X, शुरू का देखिए और लास्ट का देखिए जो पूछ रहा है, तो 12 पे पूछ रहा है, फिर पेन रख देंगे हम लोग। तो प्रश्न देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, 5 पे कर रहा है X और 6 पे बोल रहा है W, यानी X से ठीक पहले W आता है और उसके बाद 7 के स्थान पर V, या W से पहले V आता है, यानी कि समझ में आ गया कि एक एक घटाता जा रहा है, यानी कि V से पहले W, X, यानी कि एक एक माइनस करता जा रहा है। तो हमें शुरू कहाँ से करना है, 5 से, और रोकना है कहाँ पर, 12 पे, ये आपको याद रखना है, 5 से शुरू करना है। जैसे इसमें हमने 3 से शुरू किया था, इसमें 5 लिखा है, तो 5 से शुरू करेंगे और पहुँचेंगे कहाँ तक, 12 तक। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर बाई चांस यहीं पर आ गया, लेकिन ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पर आ गया, तो इस उंगली को हटाएंगे नहीं ताकि भूल ना पाएं। अब उसके बाद 5 पर X, ये 5 पर X है और 6 पे W है और 7 पे V है। अब यहाँ पे V से अब आपको आगे बढ़ना है और माइनस में जाना है। तो याद रखिएगा, माइनस में चलने में या ABCD उल्टा पढ़ने में हमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि उल्टा ABCD पढ़ना हमें नहीं आता, उल्टा अल्फाबेट हमें नहीं पता है। तो सावधानी से फूक फूक कर कदम रखना है। तो फिर से देखते हैं, 5 पर X, फिर 6 पे W, 7 पे V, अब यहाँ से आगे बढ़ना है और हमें पहुँचना है 12 तक, यानी यहाँ तक।
तो सात पे भी हो गया, उसके बाद हम अब यहां आएंगे तो भी से पहले यू, यू से पहले टी, टी से पहले एस, और एस से पहले आर, और आर से पहले क्यू। तो हमारा आंसर आ गया क्यू। तो गर्मी थोड़ा ज्यादा, इसलिए पसीना भी हो रहा है, तो दिमागी कंप्यूटर हैंग भी हो सकता है। आप इस वीडियो को अच्छा लगे या ना लगे, गर्मी के चलते इसको लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न जल्दी जल्दी। फिर कह रहा है कि यदि घड़ी के डायल में तीन के स्थान पर डी, इसमें हो रहा था माइनस एक, याद रखिएगा, इसमें था प्लस एक। अगर प्रश्न पढ़ेंगे तो तीन के स्थान पर डी और चार के स्थान पर ई नहीं लिखा है, एफ भी नहीं लिखा है, जी लिख दिया है, यानी कह सकते हैं इसमें प्लस डी के बाद देखिए ई एफ जी, यानी प्लस तीन कर रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। या ये कह सकते हैं कि दो अक्षर छोड़ के तीसरा अक्षर लिख रहा है, या डायरेक्ट कह सकते हैं कि डी में तीन जोड़ देने पर तो ई एफ जी, यानी कि तीन जोड़ा जी, जी के बाद एच आई नहीं लिख रहा है, जे लिख रहा है, जे के बाद अब के एल नहीं लिखेगा, एम लिखेगा, यानी कि प्लस तीन करता जा रहा है। तो फिर बिना पेन के इस्तेमाल के तीन से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, आप देखिए जाना है हमें कहाँ तक, दस तक, दस का पूछा जा रहा है। तो हमें अब फिर तीन से शुरू करेंगे, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फिर बाई चांस यहीं पर आ गया, खैर तो दस यहाँ पर आ गया। तो हमें तीन पर है डी और चार पर है जी, पांच पे है जे, अब जे के बाद तीन तीन बढ़ाना है, यहीं से ध्यान देना, जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी यहां पर आएगा वाई। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से मैं क्या कर रहा हूं, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वाई। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, फिर शुरू पर देखेंगे, इसमें विस्तार से मैंने प्रश्न लिखा, वर्णमाला के अक्षरों को किया जाए तो आप डायरेक्ट यहां से आएगा दो के स्थान पर ई, तो पूछा क्या जा रहा है आठ के स्थान पे, लेकिन आपको ये सब क्रम देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। तो ई लिखा है, उसके बाद जी लिखा है, यानी कि एफ जी, यानी दो बढ़ रहा है, और जी के बाद आई लिखा है, यानी कि एच छोड़ दिया आई, यानी कि इसमें क्या हो रहा है तो प्लस दो हो रहा है, हमें समझ में आ गया। तो फिर यहां से शुरू करेंगे, दो से शुरू करना है और आठ का पता लगाना है, तो दो से शुरू करेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब की बार यहां पर आया, यहां से उंगली नहीं हटाएंगे, तो देखते हैं इसमें दो के स्थान पे क्या है, ई, उसके बाद तीन पे जी है, चार पे आई है, अब यहां से आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी हमारा आंसर आ गया क्यू। आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया, कि मैं जो बताना चाह रहा हूं कि आप कैसे अपने समय को बचा सकते हैं, क्या इस ट्रिक के प्रयोग से आप अपना दो चार सेकेंड, अगर पाँच सेकेंड भी बचाने में सक्षम हो जाएंगे, तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरा ये वीडियो आपके काम आ गया। आपका आज आपका वीडियो आज का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अच्छा लगे या ना लगे, इस गर्मी के चलते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।